सेक्रेटरी जमीयतुल माहिल, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इस जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसे पूरी तरह इंडोर्स करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एनआरसी और सीएए जो है उसमें तो इशू है कि वो कम्युनिटी स्पेसिफिक है और मुसलमानों को उससे डराया जाता है, लेकिन जो ये एनपीआर है वो पहला स्टेप है और उससे सिर्फ मुसलमान नहीं अफेक्टेड है बल्कि पूरा देश अफेक्टेड है। तो इसे कोई कम्युनिटी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम सब लोग एक साथ हैं, क्योंकि इससे देश का हर आदमी, खास तौर से जो गरीब है, कमज़ोर है, जो पढ़ा लिखा है, उसके ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए ये ज़रूरी है, ये हमारी हम सबका ये फ़र्ज बनता है कि हम सब एक साथ मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। एनपीआर में जो खराबी है वो आपने देखा, जैसे कि नोटबंदी ये ले आए, सारे देश की जो है अटेंशन एक तरफ डाइवर्ट कर दी और उससे जो देश का नुकसान हुआ वो आप लोगों के सामने है। हम लोगों ने जैसे कि उसके खिलाफ उस टाइम प्रोटेस्ट करना चाहिए था वो नहीं किया, हुआ प्रोटेस्ट लेकिन नहीं किया। अब ये जो एनपीआर का मौका है, अगर इस मौके पर अगर हम चुप्पी लगा गए तो ये अपने साथ भी, हम अपने अपने साथ भी विश्वासघात करेंगे और अपने देश के साथ भी विश्वासघात करेंगे। ये हमारी तवज्जो को बांट रहे हैं, एक तरफ तो कम्युनिटीज के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो रियल इश्यूज है उन इश्यूज से हमको हटाना चाहते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी हुआ कि कल की जो ये मीटिंग हुई उसमें जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थी वो शरीक हुई, और खास इस वजह से शरीक हुई कि मुसलमानों में लेकर ये एक डर फैलाया गया कि अगर हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे एनपीआर में तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हम एनपीआर में हिस्सा लेंगे तो उससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, और हम ये बात सब लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं कि भाई अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एनपीआर के प्रोसेस में तो आपको जो नुकसान हो सकता है वो उसके बारे में शक है, अगर जो एनपीआर में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसका बायकॉट करेंगे, तो इससे फायदा हमारा यकीनी है। इस माना करके कि एक तो देश की एकता, इनका एक प्रोग्राम यह था कि देश को तोड़ना है, कम्युनिटीज के बीच में खाई पैदा करनी। अगर हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पहला फायदा तो यह हो जाएगा कि इनके जोड़ने की पॉलिसी को हम नाकाम बना देंगे। तो जिनकी जो तोड़ने की पॉलिसी है हम इसको नाकाम बना देंगे। दूसरा फायदा यह होगा कि अगर ये लड़ाई लड़नी है आपको तो इस लड़ाई की कहीं ना कहीं शुरुआत होनी है, तो लड़ाई की शुरुआत वो हमारे ऊपर जब हमला करेंगे उसका नुकसान होगा उसके बाद हम शुरू करेंगे, या ये कि लड़ाई की शुरुआत आज से होनी चाहिए कि अभी हम इस नुकसान को कैसे बचाएं। तो उनका साथ देकर हम इस नुकसान को नहीं बचा सकते, हमें इसका बायकॉट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। बाकी जो अब होम मिनिस्टर साहब ने जो मैसेज दिया है वो तो ऐसे देते ही रहते हैं, उसके बारे में आपने जो योगेंद्र यादव साहब ने बताया उसमें और कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। वाकई सही बात है कि आप लिख कर दें, सिर्फ लिख करके नहीं दें बल्कि कानून को बदलें, और यही नहीं उनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो उन्होंने सिचुएशन पैदा की है वो जानबूझकर पैदा की है और इससे मुल्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है, सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर नुकसान नहीं पहुंचा है बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम बदनाम हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान की हमारा जो इमेज थी वो इमेज खराब की इन्होंने। तो वी विल नॉट लेट हिम गो टू स्कॉट फ्री लाइक दिस।
he is answerable to the country and we must take this answer from him. कि ऐसा कैसे कर सकते हैं वो, पूरे देश की जो हमारी जो इमेज है, उसकी इज्जत है, उसकी जो आबरू है, आप उस पर हमला करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे और भी बहुत से लोग हैं वो इसके बारे में मजीद रोशनी डालेंगे। हम इसका बायकॉट हमने पहले ऐलान किया है, हम बायकॉट इसका करेंगे जब तक कि वो इसे वापस न लें। थैंक यू वेरी मच।